यान मुनेके के क्षतिग्रस्त घर को मजबूत बनाया जा रहा है ताकि वो आने वाले भूकंप झेल सके यहाँ इमारत का ये हिस्सा पहले ही ठीक करवाया जा चुका है आप यहाँ देख सकते हैं लोहे की ये रॉड दीवारों और इमारत के अंदरूनी हिस्से को साथ जोड़े हुए है 2012 में यहाँ ग्रोनिंगन में बड़ा भूकंप आया था पास ही बनी गैस फील्ड को इन झटकों के लिए जिम्मेदार माना जाता है भूकंपों से हुए नुकसान की भरपाई के लिए अब तक एक लाख साठ हजार से ज्यादा दावे दायर किए जा चुके हैं जिसके चलते नीदरलैंड्स की सरकार ने गैस उत्पादन रोकने और 2023 तक गैस फील्ड बंद करने का फैसला लिया था लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद स्थिति बदल गई है डच सरकार अब विचार कर रही है कि अगर जरूरत पड़ी तो सर्दियों में आपातकालीन स्थितियों में इस फील्ड से गैस निकालेगी नीदरलैंड्स की सरकार और गैस क्षेत्र की कंपनियां अब तक प्रभावित निवासियों को घर बनाने या मजबूत करने के लिए लगभग एक अरब यूरो का मुआवजा दे चुके हैं लेकिन अगर सर्दियों में गैस संकट गहराता है तो नीदरलैंड्स की सरकार के पास शायद ही कोई और विकल्प बचे